हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो सारे? आशा कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है लोकेश विश्वकर्मा, आप सभी प्यारे बच्चों का जो है मैं स्वागत कर रहा हूँ अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस पर। तो अभिप्सा बच्चा एक अनुभवी शिक्षकों की एक टीम है जहाँ पे कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक जो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों में जो है बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है बच्चे, हम जो बात कर रहे थे, हम जो है क्वांटम संख्या के ऊपर बात कर रहे थे कि क्वांटम संख्या होती क्या चीज है, क्वांटम संख्या जो है कैसे होती है, उसमें जो है हम चार सुपर हीरोज के बारे में बात किए हुए थे, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और जो है चक्रण क्वांटम संख्या। उसमें जो है हम लोग दो सुपर हीरोज को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है बहुत डिटेल में जो है स्टडी कर चुके थे बच्चे। कौन कौन से? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंसी क्वांटम संख्या। ठीक है, इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग जो है दो क्वांटम संख्या जो है उनके बारे में हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है स्टडी किए हुए हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चा वो हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या के ऊपर रहेगा। ठीक है बच्चे, हम जो है अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग जो है लास्ट वाले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बच्चे द्विगंसी क्वांटम संख्या पढ़ चुके हैं कि द्विगंसी क्वांटम संख्या जो होता है बच्चा वो क्या होता है, हमारे एल की वैल्यू, एल जो होती है, एल जो मतलब द्विगंसी क्वांटम संख्या, वो हमको क्या दर्शाता है, उपकोष के बारे में जानकारी देता है। उपकोष मतलब SPDF। अगर S है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 1 है L की वैल्यू तो क्या होगी, P, वैसे बात 2 होगी तो क्या होगी, D और F होगा। ठीक है बच्चा, 2 के लिए क्या होगा, P होगा, तो क्या होगा, S ऑर्बिटल, S जो है सबसेल के बारे में जानकारी देगा। जब L की वैल्यू 1 होगी तो P सबसेल, और जो है L की वैल्यू 2 होगी तो D सबसेल, और 3 होगी तो बच्चा F सबसेल के बारे में जानकारी देगा। ये सारे बातें हम लोग द्विगंसी क्वांटम संख्या जो लास्ट वाले लेक्चर में बहुत शानदार तरीके से बच्चे पढ़े हुए हैं। जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा वापस जाके वो वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया हुआ है बच्चा। ठीक है, अब देखो, जब हम बात करें द्विगंसी क्वांटम संख्या के, तो अब उसके बाद हम जो हमारा जो तीसरा सुपर हीरो है बच्चा, हमारा जो तीसरा सुपर हीरो है चुंबकीय क्वांटम संख्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो चुंबकीय जो क्वांटम संख्या होता है हमको ये बताता है बच्चा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे वो किस जो है कक्षक में घूमता है, किस कक्षक में घूमता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है हमको पता है सर, हमको जो है बचपन से ये पढ़ाया गया है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना वो जो है एक ऑर्बिटल में घूमता रहता है। एक जो है ऑर्बिटल कहने का मतलब एक जो है वृत्ताकार कक्षक में घूमता रहता है। लेकिन कक्षक क्या होता है, लेकिन कक्षक जो है क्या होता है, इस पे हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे कि हम जो है हमारा जो चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको हम प्रदर्शित करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, प्रदर्शित, क्या होता है बच्चा, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं हम लोग एम से। क्या दर्शाते हैं बच्चे, एम से दर्शाएंगे, या फिर कभी कभी क्या होता है इसको एम एल बोला भी होता है। ठीक है, कभी कभी बुक्स में एम एल भी दिया रहता है तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा। ठीक है, एम से या फिर एम एल से दर्शाते हैं। अब बच्चे क्या हुआ, इसके ये किसके बारे में जानकारी देता है, कक्षक के बारे में जानकारी देता है, कक्षक। ठीक है, ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देता है, कक्षक मतलब ऑर्बिटल के बारे में जो है जानकारी देता है। ठीक है, अब देखो, जब कक्षक की बात यहाँ पे आई हो तो एक कक्षक की बात करते हैं हम लोग कि कक्षक क्या होता है सर, कक्षक तो हमको बताइए। तो कक्षक वो होता है बच्चा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो है पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है, प्रायिकता या फिर संभावना रहती है बच्चे, वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है। जब आप लोग क्या करोगे, जब ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे पास जो s ऑर्बिटल होता है उसकी आकृति क्या होती है, जो p ऑर्बिटल होता है उसकी क्या आकृति होती है, ये सारी चीज़ें हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे कक्षक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जो समझेंगे। फिलहाल आप यह समझ लो कि जहाँ पे कक्षक क्या होता है, जहाँ पे लिख लो बच्चे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जो होती है बच्चे, संभावना, ठीक है, प्रायिकता संभावना जो होती है अधिक होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, अधिकतम होती है, बहुत ज़्यादा होती है बच्चे। ठीक है, मैक्सिमम होती है, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे, कक्षक बोलेंगे उसको, हम क्या बोलते हैं, कक्षक। जैसे हमको पता है S जो कक्षक होता है वो क्या होता है, गोलाकार होता है। S कक्षक पढ़े होंगे ना, S जो कक्षक होगा वो क्या होता है, गोलाकार आकृति का होता है। जो P कक्षक होता है बच्चे, क्या होता है, डंबल आकार का होता है। जो D कक्षक होता है, क्या होता है, हमारा डंबल आकार का होता है। ये सारी चीज़ें हमको पता हुआ है, ठीक है, पहले से पढ़ा हुआ है बच्चे। ठीक है, अब देखो, जो कक्षक के बारे में बात की तो हम पूरे कक्षक के बारे में अभी जो शॉर्ट टर्म में बात की कि कक्षक क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम चुंबकीय क्वांटम संख्या के ऊपर वापस से आते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताते हैं बच्चे, हमें जो है कक्षक के बारे में जानकारी देगा, कक्षक जो ऑर्बिटल्स के बारे में जो है जानकारी दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल अच्छी बात बोली। तो सर इसको हम निकालेंगे कैसे, इसको हम कैसे निकाल रहे हैं, तो बच्चे वो वैल्यूज बता रहा हूं, जो वो मान बता रहा हूं बच्चे, वो क्या होगा, इसको हम निकालने का जो मान रहेगा बच्चे वो क्या होगा, 2L+1। क्या होगा बच्चा, 2L, L हमारा क्या है, द्विगंसी क्वांटम संख्या, और द्विगंसी क्वांटम संख्या को हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देंगे। ठीक है, तो हमको निकाल देगा, हमको जो पता चल जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्लियर बात है इतनी? ठीक है, अब देखो, जब इसकी वैल्यूज की बात हुई तो इसको प्रदर्शित जो करने का तरीका होता है, इसको दर्शाने का जो तरीका, ठीक है, दर्शाने का तरीका जो होता है बच्चा वो क्या होता है, -L
टू प्लस एल, क्या होता है बच्चा माइनस एल टू प्लस एल, माइनस एल से जाएगा माइनस एल टू प्लस एल क्यों जाएगा, माइनस एल से प्लस एल तक जाएगा बच्चे, ठीक है। ये बात यानी बच्चे सारे बच्चों को जो है बहुत प्यारे तरीके से समझ आई होगी। अब एक बात यहाँ पे हम बात कर लिए कि हमारा जो एस ऑर्बिटल होता है, हमारा जो एस ऑर्बिटल होगा जब हम आकृति की बात करेंगे तो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से जो है इस कक्षक के बारे में जो जानकारी लेंगे। अभी फिलहाल बच्चे ये समझ लो कि हमारा जो एस जो होता है, हमारा जो एस ऑर्बिटल होता है बच्चा, इसमें क्या होता है एक सेल होता है सिर्फ और सिर्फ, जो है एक डिब्बा होता है, एक ब्लॉक होता है बच्चा इस एक ब्लॉक पे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख लेना कि एक सेल पे ये फिर एक जो है ऑर्बिटल पे, एक सेल नहीं बोलते उसको, एक ऑर्बिटल बोल सकते हैं, एक ऑर्बिटल में केवल और केवल बच्चे दो इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, ठीक है बच्चे। एक जो ऑर्बिटल होगा, एक जो डब्बा रहेगा बच्चा, उस डब्बे में केवल और केवल हम करेंगे दो ऑर्बिटल ही रख सकते हैं। इस डब्बे में जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा हम फिल नहीं कर पाएंगे। जैसे आप लोग जानो कि भैया आपके पास क्या है, एक घर है, उसमें रूम है, घर क्या आपका कोस है, उसमें रूम जो है क्या आपका कोस है, और उस कोस में केवल आप जो है तो केवल आप क्या करें बच्चे, उस जो कोस है, उस रूम था, उस रूम में केवल आप जो है दो इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, अब दो ही आदमियों को रख सकते हो, ठीक है बच्चे, दो ही लोगों को रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन्स रह पाएंगे। जैसे कि हमको पता है जो पी जो होता है बच्चा, वो क्या होता है, पी जो होगा उसमें तीन सबसेल होंगे, ठीक है, सॉरी तीन जो है ब्लॉक्स होंगे, यहाँ पे जो है टोटल जो है छह इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे, कितने बच्चे छह इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे। उसी प्रकार जो डी होगा हमारे को, उसमें क्या होंगे पांच जो है ब्लॉक्स होंगे, ठीक है, सॉरी पांच जो है ये ब्लॉक्स होंगे, और इसमें जो टोटल भैया हमारे पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से जो हमारा जो एफ जो ब्लॉक होगा, एफ जो सबसेल होगा, वहां पे जो है सात जो है ब्लॉक्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है बच्चे, ये सात, इसमें जो है टोटल कितने आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है आ जाएंगे। इतनी बातें सारे बच्चों को जो है आप लोग नोट कीजिएगा और क्लियर हुई होगी कि हम जो है क्या किसकी ऊपर बात करने वाले, ठीक है। हम जो सिर्फ इतनी बोल रहे हैं, इतनी बातें बोल रहा है बच्चा मैं कि जो इलेक्ट्रॉन रहेगा एक ऑर्बिटल में, एक जो है केवल और केवल जो है दो इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। इस जो एक डब्बा है उसमें केवल दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हमारे पास तीन डब्बे हैं, तो तीन डब्बे में कितने आएंगे, तीन दूनी छह इलेक्ट्रॉन, एकदम क्लियर बात है, एकदम अच्छी बात है, ठीक है। इतनी बातें सारे बच्चों को समझ आई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे इसको जो हम कैसे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम एक्चुअल में जो है निकाल सकते हैं बच्चे, ठीक है, उस पे बात करते हैं। देखो हम सबसे पहले क्या पढ़े थे, n, n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। अगर अगर मेरा जो है n का वैल्यू जो है 1 हुआ, अगर मेरा n का वैल्यू क्या हो गया बच्चा, 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, तो मेरा l का वैल्यू क्या होता है, l का वैल्यू हम बता सकते हैं 0 से 1, क्या होगा बच्चा 0 से 1 क्या होता है, 1 होता है ना, n का वैल्यू क्या होता है, l का वैल्यू क्या होता है, क्वांटम संख्या 0 से 1 तक होता है ना। इसको रिप्रेजेंट जो मैं इसको जो है दर्शाने का जो तरीका होता है बच्चा, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो भी अलग होता है, ठीक है, वो भी कैसे अलग होगा, 0 से 1 तक लेके जाता है, 0 से 1 तक, ठीक है। अब देखो इसके मेरे को वैल्यू पता है, अगर मेरा n का वैल्यू जो है क्या हुआ, l हुआ, सॉरी n का वैल्यू जो है 1 हुआ, तो l का वैल्यू क्या होगा बच्चा, 0 हो जाएगा, क्या होगा बच्चा, 0 हो जाएगा, 0 होगा, शून्य होगा, ठीक है। अब जो है मेरे को m का वैल्यू निकालना है, मेरे को m का वैल्यू निकालना है, मेरे को पता है 2l प्लस 1 क्या होगा बच्चा, 2l प्लस 1, तो l का वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, इसका वैल्यू क्या है, 0 है, तो 2 into 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, और प्लस 1 मिलेगा मेरे को क्या होगा, प्लस 1, m का वैल्यू क्या होगा बच्चा, प्लस 1, और प्लस 1 का कहने का मतलब सिंपल बात है कि यहाँ पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो एक डिब्बा मिलने को मिलने है, एक जो सेल मेरे को मिलेगा, ठीक है। जो 0 जो हमको क्या बता रहा है, एक जो है ऑर्बिटल बता रहा है, ये हमको क्या बता रहा है, s जो है जानकारी दे रहा है, ठीक है बच्चे। जीरो जो है हमको एस सबसेल के बारे में जानकारी दे रहा है। हम लोग द्विगुणसी क्वांटम संख्या जहाँ पे पढ़े हुए थे तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो एस जो है, एल की वैल्यू अगर 0 होती है तो वहाँ पे जो है एस ऑर्बिटल शो करता है, तो एल की वैल्यू अगर 2 होगी, सॉरी क्या होगा, हम डी ऑर्बिटल शो करेगा, अगर 3 होगी तो एफ, अगर 1 होगा तो क्या होगा पी, क्लियर बात है। इतनी बातें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है लास्ट वाले लेक्चर में पढ़े हुए हैं, फिर भी हम उसको रिपीट नहीं कर रहे, आप लोग बच्चे उसको जो है वापस से जो है देख लीजिएगा, क्लियर बात है इतनी बच्चे, ठीक है। अगर मेरा n का वैल्यू, अगर मेरा n का वैल्यू 2 होगा तो मैं l का वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्या होगा मेरा l का वैल्यू 2 होगा तो मेरा l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे 1 होगा बच्चे, कि हमको पता है n-1, ये हमको फॉर्मूला पता है n-1, तो n का वैल्यू जो है 2 है तो मेरे को क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, क्या होगा l का वैल्यू, 1 निकलेगा। और जब l का वैल्यू जो है 1 होता है बच्चा, तो उसमें एक कंडीशन होती है 0 से 1 तक, मतलब 0 भी आएगा और 1 भी आएगा, क्या होगा बच्चा, 0 भी आएगा और 1 भी आएगा। तो हम इसको ले सकते हैं कि भैया हमको पहले क्या मिलेगा, 0 मिलेगा,
फिर क्या मिलेगा, एक मिलेगा बच्चे, क्या होगा, जीरो और एक, ठीक है। अब जीरो और एक जब मिला, जीरो और एक जब मिला बच्चे, तो हम जब m का वैल्यू निकालेंगे, जब m का वैल्यू निकालेंगे तो मैं क्या l, ये l का वैल्यू जो है ना, l का वैल्यू मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है, जीरो वाला लेके चल रहा हूँ, जीरो वाला लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब शून्य जब लूंगा तो l का वैल्यू जीरो रहेगा तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा बच्चा, क्या होगा, वन। मतलब क्या बता रहे हैं हमको, एक जो है सेल में लगी है, एक जो हमको जो है, एक डिब्बा जो है, एक ब्लॉक जो है हमको देखने को मिलेगा, क्लियर बात है ये बच्चे, ठीक है। अब जब देखो मैं, जब इसको पूरा देखा तो हमको क्या मिला, जब हम इसका वन की वैल्यू रखूँ, जब मैं एल का जगह में जो वन की वैल्यू पुट करता हूँ एम की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, एम की वैल्यू निकालूंगा तो एल का वैल्यू रखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, तो एल का वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो क्या होगा, एल का वैल्यू वन रखा तो टू इंटू वन प्लस टू, सॉरी टू इंटू टू प्लस वन, टू प्लस वन थ्री, क्या होगा बच्चा, टू प्लस वन क्या हो गया, थ्री हो गया, तो थ्री मेरे को मिला। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को जो है तीन जो है ब्लॉक्स ऐसे देखने को मिलेंगे, तीन ब्लॉक जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चे। एकदम अच्छे तरीके से, शांत तरीके से बच्चे आप लोग जो है एक एक चीज़ों को मैं यहाँ पे जो है बताते जा रहा हूँ कि कैसे जो है उसका जो ऑर्बिटल जो हमको पता चल जाए, ठीक है। मैं फिलहाल जो है आप लोग को पहले से बता तो दिया हूँ, ठीक है, पहले से ये बता दिया कि एस में जो है क्या होता है, एक जो ब्लॉक होता है, जो पी में होता है तीन ब्लॉक होते हैं, जो डी में होते हैं पाँच ब्लॉक, सॉरी क्या होते हैं, डी में जो है पाँच ब्लॉक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से सबको बताई। लेकिन भैया ये एक बार जो है होता कैसे है, एक्चुअल में ये वर्क होता है कि नहीं होता, एक्चुअल में हमको ये पता चलता है कि नहीं चलता, इस पर हम बात करें, ठीक है बच्चे। तो ये बात जो है क्लियर हुई सारे बच्चों को। अब देखो जब तीन पी आई है, ठीक है, जब ये हमको है एम की वैल्यू निकाल ली, अब देखो जब मैं एन की वैल्यू क्या होगी बच्चे, थ्री होगी, जब n की वैल्यू बच्चे क्या होगी, थ्री होगी, तो क्या निकाल सकता हूँ मैं, l की वैल्यू जो टू निकाल सकता हूँ, मतलब टू होगा तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे को जीरो भी मिलेगा, एक भी मिलेगा बच्चा, और क्या मिलेगा मेरे को, टू भी मिलेगा, क्या होगा, एक भी मिलेगा और टू भी मिलेगा, ठीक है, दोनों मिलेंगे, जीरो वन टू भी मिलेगा। अब इसके लिए मेरे को m का वैल्यू निकालना पड़ेगा, m का वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा मेरे को, यहाँ से जब वापस से क्या मिलेगा, वन मिलेगा, क्या होगा बच्चा, वन मिलेगा, जब वन के लिए मैं क्या रखूंगा, m की वैल्यू निकालूंगा, वन की, इस वन के लिए m की वैल्यू निकालूंगा, m की वैल्यू निकालूंगा बच्चे, तो क्या निकाला, यहाँ से तीन निकाला, क्या बच्चा, तीन निकाला, ठीक है, तीन जो है ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और जब मैं एल की वैल्यू जो है टू के लिए निकालूंगा तो क्या होगा, टू इंटू टू क्या होगा, फोर, फोर प्लस फाइव क्या होगा बच्चा, फाइव, क्या होगा बच्चा, फाइव, फाइव जो है ये हुआ। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एस जो है एक ऑर्बिटल होगा, ये जो मेरे पास यहाँ पे तीन जो है ऑर्बिटल्स मिलेंगे, यहाँ पे मेरे को जो है पांच जो है ऑर्बिटल्स मिले, एक दो तीन चार और एक पाँच, कितने होंगे, पांच जो है मेरे को ऑर्बिटल्स मिलेंगे। उसी प्रकार भैया आप चार जो है, आप जो है सारे बच्चों से आप रिक्वेस्ट है बच्चे कि आप जो है चौथे जो ऑर्बिटल है, चार चौथे जो सेल के लिए जो है एन इजिक्वल टू फोर के लिए जो ये सारे के सारे जो कैलकुलेशन मेरे को जो है आप लोग करके जो है कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेरे को जो है ये बता दीजिएगा कि इसके जो एम की वैल्यू एल की वैल्यू जो है कैसे हो रही है और कितने ऑर्बिटल्स उस पर आ रहे होंगे बच्चे, ठीक है, ये सारी चीज़ आप बता दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात समझे कि हमारे भैया जो हमारे क्या थे, एम की वैल्यू वन हुई, वन की हुई तो वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बच्चे, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन्स, एक सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स, एक सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चे, एक सेल में जो है दो इलेक्ट्रॉन्स, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है दो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे आ सकते हैं, क्लियर बात है, दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब देखो हमारा जो जो है सेकंड सेल की बात हुई, एन इज इक्वल टू टू के लिए में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, टू में, एन इज इक्वल टू टू के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बच्चे, इसमें जो पहले सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पहले सेल में बच्चे दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और ये जो पी वाले जो सेल हैं, पी वाले जो सेल हैं, जो पी वाले जो सेल हैं बच्चे, ये क्या होगा, यहाँ पे जो मेरे को छः इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, तो मेरे को टोटल यहाँ पे जो है आठ इलेक्ट्रॉन्स जो है देखने को मिलेंगे बच्चे। एकदम ध्यान से जो है समझना, धीरे धीरे जो है हौले हौले तरीके से बच्चे आप लोग को समझ आएगी, ये बातें बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आठ इलेक्ट्रॉन्स आए, अब देखो ये मेरा क्या, एक सिंपल से इसको सीधा वर्ड में तो ये क्या मेरा सबसेल है, एस जो है एस सबसेल है कि नहीं भैया, ये मेरा क्या है एस सबसेल है, ये मेरा क्या है पी सबसेल है, पी सबसेल है, पी सबसेल है बच्चे, क्या होगा पी सबसेल है, और ये मेरा क्या है, ये जो है मेरा जो है सॉरी, ये मेरा जो है एस है, ये मेरा क्या है पी है, और ये बच्चा मेरा क्या है ये डी है, ये मेरा जो है डी सबसेल है, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यही तो हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो है कितने आठ इलेक्ट्रॉन्स हुए, अब यहाँ से वापस से मैं करूँ तो यहाँ से मेरे को दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इस तीन तीसरे वाले जो पी सेल थे वहाँ से मेरे को जो है छः इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है, और ये जो छः वाले से उसके बाद जो डी वाले जो सबसेल है वहाँ से मेरे को जो है दस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चे, अट्ठारह इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अब आपको कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा होगा बेटा, क्या होगा पढ़ा पढ़ा सा लग रहा होगा, सर आपने जो बचपन में पढ़ाए हुए हैं ना, हम लोग जो बचपन में पढ़े हुए हैं कि पहले कोर्स में बच्चे, कि पहले कोर्स में हमारे पास क्या होता है दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे, आठ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दिख रहा होगा यहाँ पे, जो पहला कोर्स मतलब n = 1 के लिए जो वैल्यू होता है बच्चा क्या होता है एक दो होता है, सॉरी क्या होता है दो होता है, और जो दूसरा जो सेल होता है n = 2 के लिए जो वैल्यू होता है बच्चा क्या होता है आठ होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आठ हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से 18 और जो लास्ट वाला सेल होगा आप लोग एजम्पशन कर लिए होगे कि क्या आएगा, ठीक है बच्चे, आप लोग पढ़े हुए हो नाइन्थ क्लास में, ठीक है। तो देखो हम जब इसको फिल करने के तरीके पे बात करेंगे, हम जो है एक डायग्राम बनाए थे ना,
वहां पे जो इलेक्ट्रॉन जो है हम कैसे फिल करेंगे, देखो हमें जो पहला जो सेल रहेगा वहां पे हमको पता है कि एस जो है एक डब्बा मिलेगा बच्चा, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भरने के तरीके भी आएंगे, अभी फिलहाल देखो कि हमारे पास वो एक डब्बे आएंगे, ठीक है एक डब्बा। और जब हम 2s की बात करूं तो बच्चे यहां पे मेरे को क्या एक ही डब्बा मिलेगा, क्योंकि एस के लिए क्या होता है एक डब्बा मिलता है, एस के लिए क्या होता है बच्चे एक डब्बा मिलता है, ठीक है हमको पता है एस के लिए एक डब्बा मिलेगा। जो पी के लिए क्या होता है हमारे पास तीन डब्बे मिलते हैं, तीन जो है ब्लॉक्स मिलते हैं, ठीक है बच्चे ये हुआ। उसके बाद मेरे को भी ये पता है कि यहां पे एक डब्बा, यहां पे मेरे को जो है तीन डब्बे, और यहां पे मेरे को जो है पांच डब्बे मिलने पड़ेंगे, एक दो तीन चार कितना हो गया पांच हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे मेरे को एक, यहां पे मेरे को जो है तीन तीन, और यहां पे मेरे को जो है पांच, एक दो तीन चार पांच, और यहां पे मेरे को जो है सात डिब्बे देखने को मिलेंगे, दो तीन चार पाँच छः और सात, ठीक है बच्चे ये सात डब्बे जो इस प्रकार से जो है अरेंजमेंट हमको जो है एटम के अंदर एक परमाणु के अंदर जो है देखने को मिलते हैं बच्चे, ठीक है इतनी बातें सारे बच्चों को जो सारे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों को जो है इतनी बातें जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या के ऊपर जो मैं पढ़ाया हुआ हूँ वो बात आपको समझ आई होगी, ठीक है बच्चा ये बात आप लोग जो है पॉइंट आउट करो, इसको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बच्चे इसको जो है नोट कीजिएगा, ठीक है चुंबकीय क्वांटम संख्या के ऊपर सारे बातें हम लोग जो है यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो एक बार जो है कैलकुलेशन पे ऊपर ध्यान लीजिएगा कि देखो भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बांट चुके हैं, ठीक है अब मेरा जो चौथा वाला जो n = 4 है बच्चे वो आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है अब नोट कीजिएगा, निकाल के मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसके वैल्यूज क्या होंगे कि भैया यहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक ऑर्बिटल के अंदर, हम जो टोटल जो पहले n = 1 सेल के लिए भी निकाल चुके हैं सारे बातें हम लोग यहां बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिए बच्चे। एक पॉइंट आप लोग भी याद रख लीजिएगा कि भैया इस पे हम जब सेल करेंगे तो इसको कुछ नाम दिया जाता है बच्चे, क्या है उसको कुछ नाम दिया जाता है, इसको कुछ नाम होते हैं बच्चे, ठीक है s ऑर्बिटल में आएगा, s जो है ऑर्बिटल में आएगा तो उसको हम s ऑर्बिटल ही बोलेंगे बच्चे, क्या होगा इसका तो क्या होगा एक ही नाम है, ठीक है एक ही नाम है s ऑर्बिटल। लेकिन भाई जब p की बात करेंगे तो यहां पे कुछ और नाम जो है बदल जाते हैं, क्या बदल जाएंगे मतलब उससे कुछ जो है और निक नेम रहते हैं, जैसे कि आपको घर में कुछ नाम रहता है ना एक पूरे जो है वर्ल्ड वार कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड आपको क्या नाम रहता है आपका एक नाम रहता है, जैसे किसी का नाम राहुल होगा किसी का नाम निखिल होगा तो उसको सारे स्कूल में सारे लोग क्या होता है राहुल ही नाम रहता है, लेकिन घर में क्या होता है कुछ अलग से नाम रहता है ना अलग से नाम रहता है सोनू मोनू कुछ भी नाम हो ठीक है वो अलग नाम रहता है। तो उसी प्रकार प्यारे बच्चे मेरा क्या है पी है, ये पी जो है पी सबसेल उसका जो है वर्ल्ड वाइड जो नाम था वो क्या है पी है, लेकिन उसके अंदर जब हम आएंगे तो वहां पे कुछ कुछ जो है ब्लॉक्स बने हुए ये तीन जो ब्लॉक्स बने उस ब्लॉक्स के भी कुछ नाम है, वो नाम देख लो बच्चे क्या है एक तो हमारा पी एक्स पी से आया पी एक्स क्या बच्चे PY और क्या होगा PZ PX PY और PZ PX PY और PZ ठीक है। उसी प्रकार जो D होता है हमारे पास जो D होता है ठीक है वो जो D होता है यहीं पे होगा सेम यहीं पे भी होगा PX PY और PZ ठीक है। अब जो D पे होगा वो क्या होगा मेरा D पे होगा तो D होगा ठीक है D इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं चलो रुको इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड और बच्चा यहाँ पे आएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा बच्चा डी जेड स्क्वायर ठीक है बच्चे जी जेड स्क्वायर ये सारे हम लोग जो है इसके निक नेम यहाँ पे डाल दिए। इस प्रकार से बच्चे सारे और सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं सारे जो ऑर्बिटल्स के फंडे हम लोग यहाँ पे समझ लिए। एक बात आप लोग ध्यान से समझे बच्चे जब हम लोग जो है ये पी एक्स वाई जेड बात किए ना जब पी एक्स वाई जेड बात किए तो आपको कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आएगा कि पी एक्स वाई जेड हम लोग क्यों लिख दिए सर यहाँ पे हम लोग जो इतनी सारे बातें क्यों पढ़े बच्चे। तो आप लोगों जो है ये चैप्टर जो ये जो है चैप्टर नहीं बोल सकते ये जो वीडियो जो स्टार्ट करने से पहले क्वांटम संख्या जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि भैया वो जो सबसे पहले जो श्रोडिंगर समीकरण पढ़ते हैं वो श्रोडिंगर समीकरण जो होता है उसमें जो तीन जो है दिशाओं के बारे में बात की जाती है तीन विमों के बारे में बात की जाती है कौन-कौन से भैया तीन एक्सेस 3D में बात की जाती है तीन एक्सेस के बारे में मतलब 3D में बात की जाती है और 3D कौन सा होता है भैया x एक्सिस क्या होता है बच्चे x एक्सिस क्या होता है y एक्सिस और क्या होता है z एक्सिस ठीक है। तो इन तीनों एक्सेस के बारे में जो है बात की जाती है इसलिए हम क्या लिखते हैं एक्स वाई और जेड लिखा जाता है। एक्सिस कैसे होता है भैया ये हमारा क्या होगा एक्सिस क्या होता है बच्चे ध्यान से देखो ये मेरा क्या होगा एक जो है एक्स एक्सिस होता है ये मेरा जो है एक्स एक्सिस ये मेरा क्या होगा वाई एक्सिस और ये मेरा होगा बच्चा जेड एक्सिस। क्लियर बात है इतनी बात है सारे बच्चों को जो है समझ आई होगी ये मेरा एक्स ये मेरा वाई और ये मेरा जेड इसलिए हम क्या लिखते हैं पी की पी वाले केस में क्या लिखते हैं बच्चे ऐसे जो हमें तीन ब्लॉक मिलता है इसलिए हम लिखते हैं पी एक्स पी वाई और पी जेड पी एक्स पी वाई और पी जेड। इतनी बातें जो है बहुत डिटेल में जाके बच्चे एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे बताया कि क्यों होती चीजें और कैसे होती है चीजें बच्चे ठीक है। अब देखो हम जो है चक्रण क्वांटम संख्या के ऊपर जाएंगे अब हमारे चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है पूरे डिटेल के साथ बच्चे आपको जब मैं डिलीवर किया आपको जब मैंने बताया ठीक है बच्चे तो हम जो है यहीं पे जो है अपना चुंबकीय क्वांटम संख्या जो कंसेप्ट था वो पूरा का पूरा जो है खत्म हुआ। अब जो है चक्रण क्वांटम संख्या के ऊपर जा रहे हैं ठीक है। हाँ बच्चे तो हम पढ़ते हैं चक्रण क्वांटम संख्या हमारा जो लास्ट सुपर हीरो से बच्चे हम लोग सारे नाम जाने अब चक्रण क्वांटम
क्वांटम संख्या जो हमारा जो है उसके काम जानने वाले हैं। क्या बच्चे चक्रण क्वांटम संख्या हमारा क्या होता है? चक्रण क्वांटम संख्या बच्चे हमको बताता है, हम लोग पहले क्या जाने, हम लोग जो है पहले जाने जो हमारा मुख्य क्वांटम संख्या है वो हमको कोषों के बारे में जानकारी देता है, कितने जो है उसके कोष होते हैं उसके बारे में जानकारी दिया। ठीक है, हमारा जो द्विगंशी क्वांटम संख्या बच्चा जो एजमिथल क्वांटम नंबर जिसे बोला जाता है वो हमको क्या बताता है, उपकोष के बारे में जानकारी देता है। और वो उपकोष कौन कौन से होते हैं, SPDF, क्या होता है बच्चा SPDF, ठीक है, जिसमें L की जो वैल्यू अगर जीरो होती है तो वो S ऑर्बिटल या फिर S सबसेल के बारे में जानकारी देगा। अगर वो L की वैल्यू जो है कंटिन्यूसली 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी तो वो क्या होगे रेस्पेक्टिवली भैया आपको जो है SPDF के जो है सबसेल जो है जानकारी देता रहता है। ठीक है, इतनी बात हमको जो है द्विगंशी क्वांटम संख्या जो एजमिथल क्वांटम नंबर था उसमें समझ आई थी। ठीक है, अब तीसरा जो हम लोग पढ़े थे चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या में बच्चे हमको ये पता चला था कि जो सबसेल होते हैं ना उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल किसको बोलते हैं हम लोग, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की जो है पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है ऑलमोस्ट मैक्सिमम होती है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि 90% के अराउंड हो जाती है। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है पाए जाने की प्रायिकता जो होती है बच्चा, संभावना जो होती है वो मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, वो हमारा कक्षक होता है। इतनी बातें सारे बच्चों को बहुत शानदार तरीके से समझ आई थी। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट जो है क्वांटम संख्या बच्चे, वहां पे मैंने जो है सॉरी लास्ट जो क्वांटम संख्या है हमारा चक्रण क्वांटम संख्या है। जो चक्रण क्वांटम संख्या समझ आ रही है हमको, जिसको देखने से ही समझ आ रहा है, चक्रण मतलब घूमेगा, लेकिन घूमेगा कौन भैया, हमारा इलेक्ट्रॉन, कौन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन। और हमको पता है सर, हमको क्या पढ़ते हैं पता है बच्चे, कि जो हमको बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चा नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है वृत्ताकार कक्षक में, वृत्ताकार कक्षक में ऑर्बिटल में नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। ये बात जो है बहुत पुरानी हुई बच्चे, अब जो उसको थोड़ा डिजिटल वर्जन पढ़ेंगे हम जो है एक्चुअल में समझेंगे कैसे होता है चीजें। ठीक है, वो बात आप लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बहुत तरीके से इस बात करेंगे। देखो हमारा जो चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है वो क्या बताता है भैया, हमको बताता है, पहले इसको बात करते हैं, इसको दर्शाते कैसे, इसको जब प्रदर्शित कैसे करते हैं इस पर बात करते हैं कि भैया इसको हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसको प्रदर्शित करेंगे बच्चे, प्रदर्शित करेंगे किससे, एस से, किसे, स्मॉल कैपिटल एस मत डालना भैया, क्या डालना, स्मॉल एस लगाना। ठीक है, स्मॉल एस से जो है इस चक्रण क्वांटम संख्या को हम लोग जो है प्रदर्शित करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, दूसरी पॉइंट हम लिख सकते हैं इसका वैल्यूज जो होते हैं। ठीक है बच्चे, इसका जो वैल्यूज होते हैं, वैल्यूज होता है, अगर मैं सीधी बात बोलूं चक्रण क्वांटम संख्या जो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है वैल्यूज की बाद में बात करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉन क्या बताता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन का चक्रण को बताता है, किसको बताता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है, कौन बताता है, चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के जो है चक्रण को बताता है, इलेक्ट्रॉन जो है कौन सी दिशा में घूमेगा और कैसे घूमेगा उसके बारे में कौन जानकारी देगा, कौन देगा, चक्रण क्वांटम संख्या, कौन देगा, चक्रण क्वांटम संख्या बच्चे। ठीक है, ये बात सारे बच्चों को बहुत शानदार तरीके से समझ आई होगी। अब देखो हमारा जो चक्रण क्वांटम संख्या जो है इसकी कुछ वैल्यूज भी होती है बच्चे, उसकी कुछ वैल्यूज होती है, उस वैल्यूज को मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, फिलहाल आप समझ लो कि चक्रण क्वांटम संख्या जो होता है क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन्स के जो चक्रण को बताता है, घूमने की जो दिशा को बताता है, घूमने की दिशा को बताता है बच्चे। ठीक है, इतनी बातें सारे बच्चों को जो है बहुत शानदार तरीके से समझ आई होगी। अब देखो जब मैं जो है थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर जाऊंगा तो आपको समझ आएगी बच्चे कि हम जो है इसको देखो ध्यान से क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा बच्चे, ध्यान से देखो ये लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या हुआ, मेरा ये जो सर्कल है यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, यहाँ पे मेरा जो है ये जो है कोई भी सेंटर पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये मेरा सेंटर है, यहाँ पे मान लो मेरा एटम रहेगा, ये मेरा न्यूक्लियस, ये मेरा क्या है न्यूक्लियस है, और मेरा ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा क्या है दूसरा इलेक्ट्रॉन है। क्यों हमको क्यों दो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं सर, क्योंकि हमको पता है बच्चे एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, सारे बच्चे को पता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में दो ऑर्बिटल रख दिया मैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चा, ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, हमको पता है सर बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, नाभिक के चारों ओर घूमेगा, ऐसे करके क्या करेगा, घूमता रहेगा ये। ठीक है, ये घूमता रहा, ठीक है, नाभिक के चारों ओर जब घूमता रहा, ये जब घूमा चारों ओर तो क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या हुआ बच्चे, इलेक्ट्रॉन के मध्य जो है एक मैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक फील्ड या फिर जो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी जो है उत्पन्न हो गई, क्या हो गई, चुंबकीय ऊर्जा जो है उत्पन्न हो गई। ठीक है, एक बात समझ लो, यहां से जब क्या हुआ, जब घूमा तो यहां पे चुंबकीय ऊर्जा जो है उत्पन्न हुई, लेकिन बच्चे लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, ये जो है इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर तो घूमेगा, नाभिक क्या करेगा चारों ओर तो घूमेगा बच्चा। ठीक है, उसके साथ ही साथ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने ही जो है अलग अलग अपोजिट दिशा में जो घूमते रहेंगे, अपने अलग अलग जो है अपोजिट दिशा में बार बार बोल रहा हूं, अपोजिट दिशा में क्या करेंगे बच्चे, घूमेंगे। मान लो ये मेरा जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, ये मेरा जो दिशा है घूमने की दिशा है बच्चे, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज जो रोटेशन कर रहा है, तो ये मेरा क्या करेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। समझ आई इतनी बातें? सारे बच्चों को समझ आई होगी। बच्चा हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स है और दो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बच्चे अलग अलग दिशा में जो है रोटेशन करेंगे, अलग अलग जो है दिशाओं में जो है घूमेंगे। क्यों घूमेंगे भैया, उस पर हम बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। फिलहाल आप समझो, इतनी बात समझो कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चा। आपको समझ आई होगी ना? आपको समझ नहीं तो एक बार ध्यान से समझो, ठीक है। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, ये जो मैं मालूम है इलेक्ट्रॉन हूं, तो मैं इलेक्ट्रॉन, ये मेरा सेंटर है नाभिक है, ठीक है। नाभिक के चारों क्या करेगा, गोल गोल घूमेगा, गोल गोल करके करके बच्चे गोल गोल करके क्या करके घूमेगा, ऐसे जो अपने ही सर्कल पे ऐसे ही जो है हमारा इलेक्ट्रॉन जो है घूमता रहेगा। क्लियर बात इतनी, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब इतनी बातें जब क्लियर हुई तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन जो यहां पे रहेगा, एक मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन, ये मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्लियर बात है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इस दिशा में से घड़ी के जो है क्लॉकवाइज दिशा में जो है घूम रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इस अपोजिट दिशा में जो घूम रहा है, मतलब एक ऐसे घूम रहा है और एक ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है। क्लियर बात है, सारे बातों को बच्चे को समझ आई हो। हम जो है डांस भी कर सकते हैं ना, ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये जो है ऐसे करके क्या बच्चे ऐसे करके घूम रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके जो है दोनों इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट अपोजिट दिशा में अपने अपने जो है अलग अलग दिशा में जो है घूम रहे हैं। इसका रीजन जो है मैं बता देता हूं, इसका रीजन क्या होगा बच्चे, ठीक है। इसका रीजन जो है, रीजन जो है क्या है बच्चा, कि अगर अगर ये बात समझो, अगर हमारे पास क्या होगा दो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये समझ लो कि हमारा जो है दो कोई दुश्मन है, ठीक है। एक जो है भयंकर, एक हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन को पसंद नहीं करता, बहुत दुश्मनी है दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में दुश्मनी है, तो अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक ही दिशा में आएंगे तो क्या होगा, दुश्मनी के नाम से क्या होगा, क्या होगी, मारपीट हो जाएगी। दोनों के बीच में क्या होगी, मारपीट हो जाएगी। मारपीट होगी क्या होगी, तो एक जो है या फिर जो है किसी का किसी ना किसी को हानि होगी। क्लियर बात है, एक एक इलेक्ट्रॉन या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो है हानि होगी। जब दोनों के बीच मारपीट होगी तो क्या होगी, दोनों के बीच में जो है हानि हो जाएगी। क्लियर बात है, हम क्या करेंगे दोनों के बीच में जो है उसको एक ही दिशा में रखेंगे, रखने ही नहीं, क्या कहें, रखेंगे ही नहीं। क्या बात कर दिए, जो सर थे हमें जो ये थे जो जो भी ये किए हुए हैं डिस्कवरी किए हैं, वो क्या बताए कि भाई हम जो इलेक्ट्रॉन है एक दिशा में घूमेगा, हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे दिशा में, जिससे क्या होगी दोनों के बीच में क्लैश होगा ही नहीं। क्लियर बात है, जिससे दोनों के बीच में जो है क्लैश होगा ही नहीं। अब जब क्लैश ही नहीं होगा तो दोनों के बीच में जो है कुछ भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। अगर क्लैश हुआ, सिंपल बात समझो, रीजन क्या है कि भैया अगर अगर इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में घूमेंगे, एक ही दिशा में घूमेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। क्या होगी बेटा, वृद्धि, वृद्धि हो जाएगी या फिर वृद्धि हो जाएगी। इसको हम सीधा सीधे संबंध में बोल सकते हैं कि दोनों की ऊर्जा जो होगी बच्चे, दोनों के बीच में जो अगर मारपीट होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी जब रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी बहुत ज्यादा, क्या होगी ऊर्जा जो है ऊर्जा में वृद्धि होगी या फिर ऊर्जा निकलेगी। क्या होगी बच्चे, निकलेगी। जब एनर्जी जो है, जब ऊर्जा जो है निकलेगी बच्चे, तो हमको ये पता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बच्चे आप लोग ये याद रखिएगा, जब भी क्या होता है, जब भी किसी भी सिस्टम, क्या होता है बच्चे, किसी भी सिस्टम पे, किसी भी सिस्टम मतलब निकाय, किसी भी निकाय, निकाय बोलते हैं, चलो किसी भी निकाय का ऊर्जा बढ़ेगी, किसी भी सिस्टम का जो है ऊर्जा बढ़ेगी तो सिस्टम, तो निकाय जो होता है बच्चा वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। निकाय जो होता है क्या होता है, अनस्टेबल, असंतुलित हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। बिल्कुल सारे बच्चों को यह समझ आई होगी, ठीक है, असंतुलित हो जाता है, हो जाता है। ये सारे बच्चों को जो समझ आई होगी, मैं सिंपल ये बोलना चाह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि क्या बात किया कि अगर भैया हमारे एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर इस दिशा में घूम रहा है तो मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में घूमा तो दोनों के बीच में क्लैश होगा, और क्लैश होगा तो क्या है, एनर्जी रिलीज होगी। क्या क्लैश होगा, तो एनर्जी जो है निकलेगी। अगर एनर्जी निकली तो क्या होगा, हमारा जो कोई भी सिस्टम होता है वो क्या होता है, तबाह हो सकता है। क्लियर बात है, क्लियर बात है। अगर किसी भी सिस्टम से, किसी भी निकाय से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर किसी भी निकाय से, किसी भी सिस्टम से अगर एनर्जी जो है रिलीज होती है, बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होती है एनर्जी, तो वो सिस्टम जो है तबाह हो सकता है, सिस्टम जो है खराब हो सकता है, वो निकाय जो है असंतुलित हो सकता है बच्चे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया उसका रीजन क्यों और क्यों ऐसे होता है, ठीक है, हमें को पता चली। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फंडे पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, हमारा इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर जो है घूम रहा है, ठीक है, नाभिक के चारों ओर घूम रहा है और साथ ही साथ जो अपनी ही दिशा पे, अपने ही जगह पे, ठीक है, रोटेशन भी कर रहा है। कौन कौन सी, क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यूज होती है बच्चे, क्लॉकवाइज की जो हम वैल्यू बोल सकते हैं, चलो मान लेते हैं हमारे जो क्लॉकवाइज की वैल्यू 1/2 है, प्लस का 1/2 और इसका जो होता है माइनस का 1/2, ठीक है। ये जो है सारे जो 1 सारे बच्चे जो है 1/2 और -1/2 जो है ये मानना जो है मैंडेटरी नहीं होता,
क्लियर बात है। ये मानना जो है मैंडेटरी क्यों नहीं होता बच्चे, ये जो है मानना हमको मैंडेटरी इसलिए नहीं होता, हमको सिर्फ इतना बातें पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, हमको बच्चे सिर्फ इतनी बातें पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि भैया हम जो है ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है यहाँ पे देखो इतनी बातें पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ऊर्जा को ठीक है, ऊर्जा नहीं बोलते, एक दूसरे के मूवमेंट को, क्या होता है बच्चा, एक दूसरे के मूवमेंट को ऊर्जा नहीं बोल सकते, एक दूसरे के मूवमेंट को क्या करता है बेटा, कैंसल करता है, एक दूसरे के मूवमेंट को क्या करता है, कैंसल करता है। आप लोग लिख लीजिएगा अपने वर्ड में, ठीक है बच्चे। ये क्या बात कर रही है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या करता है, एक जो है क्लॉकवाइज घूमेगा, क्या करते हैं बच्चे क्लॉकवाइज घूमेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये मेरा मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्या बच्चे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये जो है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आप भांगड़ा भी कर सकते हैं ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एकदम अच्छी बात है कि नहीं, है ना, एकदम अच्छी बात है, आप भांगड़ा भी कर दो इससे, ठीक है। तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चे, ठीक है, एकदम सारे बच्चों को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चे ये समझ आई होगी क्यों घूम रहा भैया, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होगी इसको जो कैंसिल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो रहेगी दूसरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैंसिल करेगी, कैंसिल करेगी मतलब जब हमारा प्लस वन जो है एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अब जो है माइनस जो है वन बाई टू आएगा, तो दोनों की जो एनर्जी कैंसिल आउट होगी जीरो हो जाएगी, क्या होगी बच्चे जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी बच्चे, क्या होगी शून्य हो जाएगी, ठीक है। ये तो बात हुई हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई, यहाँ पे हम लोग दो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बात किए, अगर सर अगर जो है हम जो एक इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स की बात है, अगर मैं जो हाइड्रोजन की बात कर दिया 1s1 मतलब क्या होगा 1s1 हम क्या हमारे हम इसमें क्या होते हैं एक इलेक्ट्रॉन से मौजूद होते हैं तो हम अगर मेरे परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन हुए तब मैं क्या करूंगा, तब क्या करोगे बच्चे कि भैया हम जो एक हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ये मेरा क्या हुआ ये मेरा परमाणु नाभिक, ठीक है नाभिक, ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये मेरा प्यारा इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ और सिर्फ जो है प्लस वन या फिर माइनस वन जो है जनरेट करेगा, प्लस वन या फिर माइनस वन, अब इसकी मर्जी एंटी क्लॉकवाइज घूमे या फिर जो है क्लॉकवाइज घूमे, क्लियर बात है बच्चे, प्लस वन या फिर माइनस वन जो है जनरेट करेगा, जिससे हम जिसकी स्टडी हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर भैया मैग्नेटिक फील्ड में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में कर सकते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र में हम लोग स्टडी कर सकते हैं, क्लियर बात है बच्चे, क्लियर बात, इतनी सारे बातें सारे बच्चों को क्लियर हुई होगी। अब देखो यहां से एक और पॉइंट हम समझ लेते हैं कि भैया हमारा जो क्लॉकवाइज होता है वो कैसे होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं जो ये जो साइन अपवर्ड में जो साइन दिख रहा है, ठीक है, ऊपर की जो साइन दिख रहा है इसको अपवर्ड साइन बोलते हैं, ठीक है, अपवर्ड जो साइन दिख रहा है ये किसके लिए होता है, क्लॉकवाइज के लिए होता है, किसके लिए, क्लॉकवाइज के लिए, क्लॉकवाइज के लिए, ये सिर्फ बोलने की बात है बच्चे, ठीक है, हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा सिर्फ इतने समझने की बात रहेगी कि हम जो है दोनों की एनर्जीज को जो है कैंसल आउट करेंगे, क्लियर बात है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक दूसरे की एनर्जीज को क्या करेगी कैंसल आउट करेगी, तभी एक दूसरे के साथ जो है साथ में रह पाएंगे, मतलब हमारा एक सेल जो है एक डिब्बा जो है क्या है एक घर है, ठीक है, एक घर है एक रूम है, ठीक है बच्चे, क्या रूम है, अब इस रूम में जो है दो दुश्मनों को हम लोग को रखना है, तो दो दुश्मन जो है अपनी दुश्मनी हटाएंगे तभी तो साथ रह पाएंगे, नहीं अगर नहीं हटाएंगे तो क्या दोनों के बीच मारपीट होगी और एनर्जी होगी तो दोनों जो है तोड़ फाड़ के निकल लेंगे, क्लियर बात है, इसलिए हम क्या करेंगे दोनों जो है अब एक दूसरे का समझौता करेंगे, अपनी अपनी एनर्जी को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, मतलब जीरो कर देंगे, क्लियर बात है, हम ये जो है क्लॉकवाइज के लिए दर्शाते हैं और ये जो होता है डाउनवर्ड होता है एंटी क्लॉकवाइज के लिए दर्शाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए दर्शाएंगे, इसका जो वैल्यू होगा मैं बोल सकता हूँ प्लस वन प्लस हाफ रहेगा और इसका जो है माइनस हाफ रहेगा, ठीक है, ये सिर्फ बोलने की बात है बच्चे, ठीक है, आपको सिर्फ मेन मुद्दा मैं बोला जिसपे आपको फोकस करना है कि आप कैंसल आउट करेंगे एक दूसरे इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को कैंसल आउट करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर, तो हमारा जो मान लो ये मेरा एस ऑर्बिटल है, ये मान लो ये मेरा क्या है एस ऑर्बिटल है, तो इस एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चे कैसे भरूंगा मैं एक को मैं क्या करूंगा एस नहीं बोलते हैं एस में तो दो ही इलेक्ट्रॉन होती है, मैं हीलियम के लिए बात करता हूँ, चलो हीलियम के लिए बात करता हूँ, उसमें जो है चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होंगे, ठीक है हीलियम में क्या चार नहीं होते यार, हीलियम में क्या होता है दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अब दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 1s1, ठीक है 1s1 एक बार और वापस लिखता हूँ 1s1 क्या होता है 1s2 हाँ बच्चे, तो हम क्या बात किए हीलियम की बात की, तो हीलियम में क्या होता है हमारे पास 1s2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे एक को मैं क्या करूंगा अपवर्ड दर्शाऊंगा, एक को क्या करूंगा अपवर्ड और दूसरे को क्या करूंगा डाउनवर्ड, क्लियर बात है, एक को अपवर्ड एक को डाउनवर्ड, जिससे ये इसकी एनर्जी क्या होगी प्लस हाफ हो जाएगी, प्लस हाफ इसकी एनर्जी क्या होगी बच्चे माइनस हाफ, क्लियर बात है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ,
इतनी सारे बच्चों को जो है समझ आई होगी कि हम किसकी बात कर रहे हैं और कैसे जो है इसको जो है इवोल्यूएट किए, इसको हम कैसे जो इसको समझे। क्लियर बात है बच्चे? अब देखो अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों को मैं अगर कैलकुलेशन की बात करूं तो मेरे को पता है एन का वैल्यू, अगर एन का वैल्यू बच्चा, अगर एन का वैल्यू वन होता है, अगर एन का वैल्यू टू हो जाता है तो एल क्या होता है बेटा जीरो हो जाता है, क्या होता है जीरो होगा। अगर एल का वैल्यू टू होता है तो मेरे को पता है बच्चे क्या होता है यहाँ से वन होता है, और वन में क्या होता है जीरो और वन भी होता है बच्चा, क्या होता है जीरो और वन भी होता है। और थ्री के जो एन इज इक्वल टू थ्री के लिए क्या होता है बच्चे मेरा एल का वैल्यू जो है टू हो जाता है, टू मतलब जीरो वन टू जो है सबसे के बारे में जानकारी देगा। क्लियर बात है? एसपी और एसपीडी, एसपी और एसपीडी, क्लियर बात है बच्चे? ठीक है। अब देखो अगर मेरा एम है, अगर चुंबकीय क्वांटम संख्या में हमको पता चला कि अगर हमको जो है यहाँ पे एक डिब्बा दिखेगा, यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे मेरे को मिलेगा एक डिब्बा, यहाँ पे मेरे को मिलेगा तीन डिब्बे, ठीक है, यहाँ पे मेरे को मिलेगा एक, यहाँ पे मेरे को तीन, यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे मेरे को मिलेंगे पाँच। इतनी बातें सारे बच्चों को जो है समझ आई होगी, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन किया हुआ बच्चे, ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या के ऊपर। अब देखो जब इतने डब्बे की बात हुई तो यहाँ पे मेरे को क्या हुआ, ये मेरा क्या हो गया एस ऑर्बिटल, इसमें जो एक ऑर्बिटल देखने को मिला, यहाँ पे मेरे को जो है एक ऑर्बिटल देखने को मिला, यहाँ पे मेरे को जो है तीन जो है ऑर्बिटल्स देखने को मिले, मेरे को यहाँ पे एक, यहाँ पे मेरे को जो है तीन, तीन डब्बे, और यहाँ पे मेरे को जो है पाँच, ठीक है। उसी प्रकार जब एफ आएगा, ठीक है, जब एफ आएगा मेरे प्यारे बच्चे तो वहां पे जो है सात ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अगर मैं बोलूं ये मेरा वन है और एस है, ठीक है, ये मेरा क्या एस ही तो है ना, ये मेरा एस ही है, एस सबसेल बता रहा है, ठीक है, एस सबसेल के बारे में जानकारी दे रहा है बच्चा, ठीक है, एस सबसेल के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है। अब एस सबसेल बताया तो ये मेरा क्या होगा, ये भी मेरा एस होगा, ये मेरा क्या होगा पी होगा, ये मेरा क्या होगा एस, ये मेरा पी, और ये मेरा क्या हो जाएगा डी। इतनी बातें सारे बच्चों को क्लियर है। अब मैं बात किया इसको 1s होगा, क्या होगा 1s, पहले एनर्जी सेल की है तो 1s हो जाएगा, क्या हो गया 1s हुआ, ये मेरा क्या होगा 2s, ये मेरा क्या होगा 2p, ठीक है। उसी प्रकार ये क्या हो गया मेरा 3s, ये मेरा 3p, और ये मेरा क्या हो जाएगा 3p के साथ, ये मेरा होगा 3d। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स बनने की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन जो है एक परमाणु, एक जो है सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे, इस प्रकार से ऐसे भरे जाएंगे। क्लियर बात है बच्चे? इस प्रकार से जो है ऐसे भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से जो है भरे जाते हैं बच्चे, ठीक है। अब सारी बातों जो हमें यहाँ पे खत्म किया, हम जो चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या दोनों के दोनों जो है बहुत शानदार तरीके से बच्चे खत्म किए। अब बच्चे ये जो है चक्रण क्वांटम संख्या जो हमने बहुत शानदार तरीके से बच्चे अब लोग यहाँ पे खत्म कर चुके हैं, पूरा का पूरा जो क्वांटम संख्या बच्चा, ठीक है, यहाँ पे हम समाप्त कर चुके हैं। तो बेटा आज का जो लेक्चर जो है आपको समझ आई होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर मेरे साथ जो इसी तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक पर मैं कवर करने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मैं सारे जो टॉपिक्स है केमिस्ट्री के उसका हम बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आने वाला जो लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है।